हेलो फ्रेंड, हाजिर हूँ कि नई वीडियो के संग। दोस्तों, आज के टाइम में हर एक पर्सन व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप में जब भी हम किसी को चैट करते हैं, किसी के संग फोटो वीडियो सेंड करते हैं, सामने वाले का मोबाइल में अगर डेटा ऑफ रहता है तो हमारा चैट सेक्शन में सिंगल टिक हो जाता है। मीन्स हमारा मैसेज जो चला गया है वो सर्वर में अटका हुआ है और सामने वाले का मोबाइल में डेटा ऑफ है। अगर सामने वाला अपना मोबाइल में डेटा ऑन करता है और अगर मैसेज उसका मोबाइल में आ जाता है तो हमारा वही सिंगल टिक डबल ब्लैक टिक में कन्वर्ट हो जाता है और हम ये समझ लेते हैं जो हमारा मैसेज चला गया है उस जो सामने वाले का मोबाइल में चला गया है। अगर सामने वाला हमारा मैसेज को अगर रीड करता है, अगर हमारा मैसेज को ओपन करके रीड कर लेता है तो वही डबल ब्लैक टिक ब्लू टिक में कन्वर्ट हो जाता है, डबल ब्लू टिक हो जाता है। मीन्स हमें ये समझ जाता है जो हमारा जो मैसेज है वो सामने वाला पढ़ भी लिया है, देख भी लिया है, सब कुछ कर लिया है। ये व्हाट्सएप में नॉर्मल बात है, लेकिन आपने कई सारे ऐसे भी चैट देखे होंगे जिसको इनमें आप अगर फोटो वीडियो सेंड करते हो तो उसका जो हमारा चैट सेक्शन में डबल ब्लैक टिक होता है लेकिन ब्लू टिक नहीं होता है। लेकिन सामने वाला उस मैसेज को हमारा जो फोटो वीडियो को देख के पढ़ भी लिया है और हमें रिप्लाई भी दे दिया है लेकिन हमारा चैट सेक्शन में वो ब्लैक टिक ही रह जाता है, डबल ब्लू टिक नहीं होता है। ये एक तरह का व्हाट्सएप की सेटिंग होता है। अगर आपके संग भी ये प्रॉब्लम होता है, आपको अगर कोई फोटो वीडियो सेंड करता है, आपके संग चैट करता है, उसकी चैट सेक्शन में अगर डबल ब्लैक टिक होता है, ब्लू टिक नहीं होता है, तो आप इसको कैसे बंद कर सकते हो, ये आपके मोबाइल में कैसे आप बंद कर सकते हो? या तो आप मजे करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी आपको अगर चैट करता है, फोटो वीडियो सेंड करता है, उसकी जो चैट सेक्शन में डबल ब्लैक टिक ही आए, ब्लू टिक ना आए, तो आप इस सेटिंग को आप कैसे कर सकते हो? आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली मोबाइल की स्क्रीन में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हेलो फ्रेंड, मैं हूं साहब, आप देख रहे हैं टेक्नो हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल। नो बकवास, ओनली मुद्दे की बात। देखिए दोस्तों, मैं आ गया व्हाट्सएप में प्रैक्टिकली दिखाने के लिए। मेरे पास फिलहाल दो स्मार्टफोन है और दो व्हाट्सएप है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। मैं अगर किसी के संग चैट करता हूँ, मान लीजिए दोस्तों इसके संग मैं चैट कर रहा हूँ, इसका डेटा ऑफ है। देखिए दोस्तों, इसका डेटा ऑफ है और इसके संग मैं चैट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं अगर कुछ भी इसके संग चैट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं इसमें लिख रहा हूँ हेलो, हेलो करके मैं सेंड कर दिया हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें डेटा ऑफ है, यहाँ पर सिंगल टिक हो जाए। देखिए दोस्तों, सिंगल ब्लैक टिक हो गया है इसमें, मीन्स इसका डेटा ऑफ है, हमारा मैसेज सर्वर में अभी अटका हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इसमें डेटा को ऑन करता हूँ, देखिए दोस्तों मैं डेटा को ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पर डेटा को ऑन कर रहा हूँ और इसमें देखिए दोस्तों मैसेज यहाँ पर ये हो जाएगा, आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैसेज आ गया है। देखिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर टू ब्लैक टिक हो गया। देखिए यहाँ पर टू ब्लैक टिक हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टू ब्लैक टिक हो गया। यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, टू ब्लैक टिक हो गया। अगर मैसेज को खोल के, इसमें मैसेज को खोल के अगर देखता हूँ, देखिए दोस्तों मैसेज को ओपन करता हूँ, यहाँ पर डबल ब्लू, वही ब्लैक टिक ब्लू टिक में हो गया है। देखिए दोस्तों, ये नॉर्मली व्हाट्सएप में होता है। लेकिन आपने कई सारे ऐसे चैट को आपने देखे होंगे जिसमें आपने अगर मैसेज करते हो, कुछ भी सेंड करते हो, उसमें ब्लू टिक नहीं होता है, उसमें ब्लैक टिक ही रह जाता है। देखिए दोस्तों, मैं इस चैट को दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं चैट किया हूँ, हेलो हेलो लिखा हूँ, वो हमें रिप्लाई भी दिया है लेकिन इसमें ब्लू टिक नहीं हुआ है, ब्लैक टिक हो गया है। ये एक सेटिंग होता है, सामने वाला वो सेटिंग करके रखता है। अब ऐसे आप भी कैसे सेटिंग कर सकते हो? या तो मान लीजिए आपका गलती से ये सेटिंग हो गया, कोई आपको अगर ये करते हैं, आपके संग चैट करता है, उसको ब्लू डबल टिक नहीं होता है, तो आप ये सेटिंग कैसे कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, मैं फिलहाल इसमें सेटिंग करके आपको दिखाऊंगा, इस फोन में सेटिंग करके आपको दिखाऊंगा, उसके बाद चैट करके दिखाऊंगा कैसे ये जो ब्लू टिक है, ब्लू टिक नहीं होगा। देखिए दोस्तों, मैं इसमें आपको जाना होगा, फिलहाल आपको जाना होगा यहाँ पर मैन जो मेनू व्हाट्सएप में मैं आ गया हूँ, उसके बाद ऊपर थ्री डॉट मिलेगा, यहाँ पर थ्री डॉट में आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद सेटिंग में जाना होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अकाउंट है। देखिए दोस्तों, आपका नाम, प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगा, उसके बाद अकाउंट है, अकाउंट में आपको जाना होगा। उसका सबसे ऊपर प्राइवेसी है, प्राइवेसी में आपको क्लिक करना होगा और नीचे देखिए, सबसे एक नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रीड रिसीव। ये रीड रिसीव अगर ऑन रहता है तो ब्लू टिक आएगा, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो ये ब्लू टिक नहीं होगा, ये ब्लैक टिक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये ऑफ हो गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं अब चैट कर रहा हूँ, फिर से चैट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इस नंबर में फिर से हम चैट कर रहा हूँ, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, हाई लिख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हाई डबल टिक हो गया है। उसका देखिए दोस्तों, इसमें रीड भी कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वही ब्लैक डबल टिक ब्लैक हो गया है लेकिन ब्लू नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, इससे रिप्लाई कर रहा हूँ, हेलो। देखिए दोस्तों, मैं रिप्लाई भी कर दिया हूँ लेकिन वही ब्लैक टिक है, सेम ब्लैक टिक है। देखिए दोस्तों, मैं कुछ भी इसमें सेंड कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों कुछ भी सेंड कर रहा हूँ तो ब्लैक टिक ही हो जा रहा है। फिर से आप अगर मान लीजिए इसको ब्लू टिक में कन्वर्ट करना चाहते हो, देखिए दोस्तों इसमें ये जो ब्लैक टिक है इसको हम ब्लू करना चाहते हो, देखिए दोस्तों हम ब्लू करना चाहते हो, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें फिर से हमें सेटिंग में जाना होगा, थ्री डॉट में जाना होगा, उसके बाद सेटिंग, उसके बाद देखिए दोस्तों अकाउंट में जाना होगा, उसके बाद प्राइवेसी में जाके इसको ऑन कर देना होगा। देखिए दोस्तों, ऑन अगर कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर से चैट में मैं आ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्लू टिक हो गया। फिर कोई भी हम मैसेज कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई भी मैसेज कर रहा हूँ, कोई भी सेंड कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पर ब्लू टिक आ रहा है।
देखिए दोस्तों इजी तरीके से आ रहा है। इसी तरीके से दोस्तों आप व्हाट्सएप की ब्लू टिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आप इसको ऑन कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी तरीके के मोबाइल रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी ऑन को सिलेक्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।